Everyone, मैं आप का करता हूं और कैसे हैं आप क्या मैं आप के आ चला हूं, हूं? जरा एक बार मुझे बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शानदार सभी का सभी का हार्दिक अभिनंदन इसकबाल करता हूँ मैं विवेक सिंह आपका आपके परिवार सर क्या सुपर कोचिंग टेक्स बुक भाई बिहार पर स्वागत करता हूँ सर सर सुपर कोचिंग टेक्स बुक <स्थाँ> सुपर कोचिंग बिहार वाई टेस्ट बुक सॉरी सुपर कोचिंग बिहार वाई टेस्ट बुक में आप सभी का स्वागत करता हूं तो कैसे हैं आप सभी और आज सर एक नई जोश और उमंग के साथ मैं विवेक सिंह आप सभी के सामने जुड़ा हूं सर कुछ कुछ बेहतरीन से सवालों को लेकर कुछ दमदार सवालों को लेकर तो एक बार शन को शेयर कर दिया जाए और आपकी क्लास सर सरकार चालू हो चली है तो एक बार सर सरकार इसके अनाउंसमेंट भी कर दी जाए जरा सर सरकार को शेयर कर दो और आ जाओ फटाफट तरीके से जुड़ना तो बनता है जुड़ना तो बनता है और आजो दोस्त देखते हैं क्या है नया कुछ खास है हमारे लिए तो आज दोस्त क्या है सर इंट्रोडक्शन तो क्वेश्चन ऑफ साइंस के बारे में बात करेंगे और याद रखोगे कहता है है। याद कि क्या है दोस्तों कहता है आप सभी से कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं याद रखोगे कि क्या कहता है दोस्त कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं कहते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर याद रखोगे दोस्त कि देखो, देखो परिस्थितियां हमेशा सम विषम होती रहेंगी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी परिस्थितियां हमेशा सम विषम आती रहेंगी लेकिन उन परिस्थितियों में जो अपना धीरज नहीं खोए जो अपना धैर्य नहीं और अपने आप को संभाले रहे अपने आप को ढांडस बनाए रहे कि सर क्या एक ना एक दिन सर क्या दिल बदलेगा याद रखोगे एक ना एक दिन सर क्या हल होगा आज नहीं तो कल होगा और सर क्या तो वो इंसान अपने आप को साबित करेगा तो स्वागत है सभी का बानो प्रवीण सभी बच्चों का स्वागत है और आज फटाफट तरीके से अक्षय सैनी स्वागत है स्वागत है स्वागत है सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन इस्तेकबाल करता हूँ चलो देखो 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 सर 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 क्या सर सर आपके सर क्या आज आपके सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू इज़ दैट वॉट सर देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने निकल के आता है क्या सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है सर देखो क्या की सर क्या पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी सर देखो जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा वो होगा एक दो तीन और एक भी नहीं याद रखोगे सर क्या याद रखोगे कि सर क्या पैरामिशियम में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी एक दो तीन या एक भी नहीं जरा मुझे इसका कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा क्या होगा आंसर कि में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी द नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाउंड इन द पैरामिशियम तो याद रखोगे जो पैरामिशियम होते हैं पैरामिशियम में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या पाए जाने वाले न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है तो देर शुड बी दन याद रखोगे हमेशा 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 एक होगी क्यों क्योंकि याद रखो कि दोस्त जो पैरामीशियम होता है यह क्या है तो यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है ये किस में आएगा यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ में आएगा और यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होगा एक ऐसा जीव होगा एक कोशिकीय जीव होगा और जब एक कोशिकीय जीव है याद रखोगे तो यह क्या सर तो इसके अंदर देखो जो न्यूक्लियस की अमाउंट होगा जो इसके अंदर न्यूक्लियस का अमाउंट होगा वो कितना होगा दोस्त तो याद रखोगे वह वन 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 यानी एक होगा इस बात को आप सारे याद रखोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फूल गोभी क्या है सर फूल गोभी क्या है जरा मुझे बताओ कॉलीफ्लावर सर फूल है फल है पुष्प है पुष्पक्रम है या कलिका है जरा मुझे बताओ सर कि सर क्या फूल गोभी क्या होता है जरा 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 मुझे बताओ बहुत बढ़िया बेहतरीन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शानदार बढ़िया बताओ दोस्त क्या कहता है सर कि हर हर महादेव ओम पार्वते है पते है नम हर हर महादेव और फूल गोभी क्या है सर फूल गोभी एक प्रकार का फल है फूल पुष्प क्रम है या कलिका है जरा मुझे बताओ सर कि फूल गोभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा जरा मुझे बताओ बहुत शानदार तो याद रखोगे दोस्त देखो जो फूल गोभी है फूल गोभी एक प्रकार का सर याद रखोगे क्या है पुष्प क्रम है एनफ्लोरसेंस है क्या है सर यह एक प्रकार का सर क्या है तो यह एक प्रकार का पुष्प क्रम है एनफ्लोरस है याद रखोगे इस बात को सारे के सारे फाइलेरिया रोग का मुख्य कारण क्या है सर देखो जो फाइलेरिया इसे फाइलेसिस कहते हैं सर क्या यह किससे होता है इसे हाथी पाँव रोग भी कहा जाएगा तो जरा मुझे बताओ सर यह हाथी पाँव नामक रोग जो फाइलेरिया नामक रोग है यह किससे होगा जरा मुझे बताओ बहुत ही शानदार रचिदा प्रतिभा बढ़िया स्वागत है बेहतरीन बेहतरीन सुशील स्वागत है आपका द विवेक स्वागत है और देखो जो फाइलेरिया रोग है इसका कारण क्या है द फासिस इज कॉज बाई सर याद रखोगे जो फाइलरसिस है जो फाइलेरिया नामक रोग है या किससे होता है यह गोल क्रीमी से होगा विषाणु से होगा जीवाणु से होगा या चपटे क्रीमी से होगा तो याद रखोगे फाइलरसिस नामक रोग है जो फाइलेरिया नामक रोग है या किससे होता है याद दोस्त तो यह आपका राउंड से होता है, है। किससे होता है मेरे भाई तो यह आपका राउंड जिसे आप कहते हो क्या तो जिसे आप कहते हो द गोल ऐसा ऐसा कीड़ा सर क्या देखो जो सर क्या जो राउंड और राउंड किसे कहते हैं अगर तुम्हें याद आ रहा हो राउंड वार्म किसे कहते हैं अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो एसके हेलमेंथीज सर क्या एक संघ होता है इसे कहते हैं एसके हेलमेंथीज और एसके हेलमेंथीज के अंदर एक्स एस के हेलमेंस के अंदर एक कीड़ा होता है एक जीव होता है जिसे कहते हैं और ये जो है ये सर क्या ये करता है आपको क्या गोल क्रीमी और इसे कहते हैं सर क्या किससे होगा सर सर वुचेरिया वुचेरिया नाम के क्या एक गोल क्रीमी राउंड वार्म से होगा याद रखोगे सारे के सारे बहुत ही शानदार कि मसूरों से खून का निकलना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है क्या कह रहा है दोस्त देखो क्या कह रहा है कि मसूरों से खून का निकलना सर देखो कह रहा है है आपसे कि मसूरों से खून का निकलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है बहुत शानदार राज राठौर स्वागत है बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड अक्षय पूजा हेमा बढ़िया 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 शानदार शानदार बेहतरीन है दोस्त शानदार है बहुत ही शानदार तो जरा मुझे बताओ दोस्त जरा मुझे बताओ कि सर क्या कह रहा है सर आप सभी से कह रहा है क्या कि मसूरों से खून का निकलना सर कैसी प्रक्रिया है जरा मुझे बताओ बहुत ही शानदार बेहतरीन 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 देखो सर क्या ouais कह रहा है कि मसूरों से खून का विटामिन की कमी कारण होता है देखो जो विटामिन सी है देखो दोस्त क्या जो विटामिन सी है विटामिन सी की कमी कारण क्या होता है तो मसूरों से खून का निकलना याद रखो रखोड़ों से खून का निकलना सर क्या विटामिन सी की कमी कारण और इस रोग को क्या कहा जाएगा तो इस रोग को कहा जाएगा स्कर्वी स्कर्वी रोग कहा जाएगा और डेली हम विटामिन सी के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं जैसे हमें पता है कि विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन

से बाहर हो जाता है यह एक ऐसा विटामिन है जो शराबी व्यक्ति के अंदर नहीं पाया जाएगा जिसका नाम होता है विटामिन 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 सी 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 याद रखोगे सारे सारे के नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है ऑफ ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग इज़ इज़ नॉट नॉट अ या जू इसमें से वह कौन सा ऐसा है दोस्त याद रखोगे सर क्या इसमें से वह कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा है जो एनर्जी का क्या है सर मात्रक नहीं होगा वॉट वॉट पर आर जूल या किलो वॉट पर आर याद रखोगे तो शक्ति का. शक्ति का क्या होता है वॉट और वॉट क्या है सर तो यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है जबकि वहीं पर जूल जूल किसका मात्रक है सर तो जूल याद रखोगे ऊर्जा का मात्रक है सर वॉट पर आर ऊर्जा का मात्रक है सर मात्र पर आर ये सारे के सारे ऊर्जा के मात्र होंगे याद रखोगे सर क्या बहुत ही बेहतरीन 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 अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किससे द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मीजर बाई इसमें से वह कौन सा है कौन सा है कौन सा है कौन सा है जो वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य करेगा जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि सर सर इसमें से वह कौन सा है जो क्या, जो क्या वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य करेगा जरा मुझे बताओ बहुत ही बेहतरीन 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 शानदार द दीटर द बैरोमीटर द वायुमीटर या सर क्या दोल्टा मीटर वोल्टा मीटर क्या करेगा सर क्या वोल्टा को मापेगा सर आपका क्या बैरोमीटर क्या करेगा तो बैरोमीटर सर क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापेगा और

जब बॉन्ड की ओवरलैपिंग ऐसे हो जाए तो इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और अगर लेटरल ओवरलैपिंग है तो इस प्रकार के बॉन्ड को कहते हैं सर क्या पाई बॉन्ड तो इसमें से ऐसा किसके अणु है ऐसे किसके अणु हैं जो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनाएंगे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के या क्लोरिन के जरा मुझे बताओ जो लेटरल ओवरलैपिंग भी करता होगा और साथ ही साथ जो सर क्या जो सर क्या जो हेड बाई हेड ओवरलैपिंग करता होगा ये दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं और हेड बाई हेड वाला सर क्या होता है जो हेड बाई हेड है उसे सिग्मा कहा जाएगा जो लेटरल होगा उसे क्या कहा जाएगा तो इसे पाई कह दोगे और इसे क्या कह दो सर? इसे सिग्मा कह दोगे और हाइड्रोजन एक ऐसा है दोस्त सर क्या है हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है और हाइड्रोजन के ही एक एटम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बनाते हैं और जब आप बेंजीन पे जाओगे तो बेंजीन पर वहां सर क्या जो तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की सर क्या संख्या को आप देख पाओगे बहुत ही बढ़िया शानदार 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 बेहतरीन है नेक्स्ट आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज एन केमिकल चेंज इसमें से ऐसा कौन सा है कौन सा है कौन सा है कौन सा है जो केमिकल चेंज का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और जैसा कि हम और आप सारे जानते हैं कि सर देखो जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है तो याद रखोगे जो केमिकल चेंज होता है मेरे भाई यह इिवर्सिबल होता है यह कैसा होता है मेरे भाई तो मेरे भाई आप सभी को पता है यह एक प्रकार का इसिबल होता है मतलब अगर आप रिएक्टेंट मिलाते हो दो रिएक्टेंट को मिलाकर कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं पा सकते किसी रिएक्शन से मिला हुआ उत्पाद दोबारा अपने अभिकर्मकों में नहीं आ सकता किसी को काटना किसी को सरजलाना किसी को फाड़ना यह क्या होता है दोस्त तो याद रखोगे यह होता है रासायनिक परिवर्तन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जलने की बात यहां हो रही है

जो अग्निशामक होता है वह किसको रिलीज करता है अपने अंदर से जरा मुझे बताओ कि सर देखो जो अग्निशामक होता है वो किसको 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 रिलीज करेगा और एक बार सेशन को शेयर कर दो दोस्त बहुत कम बच्चे हैं बता दो तो बहुत बहुत बहुत, बहुत कम जनसंख्या है बताओ कि सर क्या जो काबिल नहीं जो काबिल नहीं सर क्या अगर मान लो कि अगर आप काबिल काबिल हो और अगर आपकी प्रतिभा को ना पहचाना जाए तो बड़ी तकलीफ होती है तो भाई क्या एक बार शाम को शेयर कर दो सर बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की किया जरा मुझे बताओ कि सर क्या होगा आंसर फटाफट बताओ सर की अग्निशामक से निकलता है सर को जो अग्निशामक है अग्निशामक से क्या निकलेगा द कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जिस गैस का नाम है द सीओ गैस अग्निशामक गैस कौन सी होती है सीओ और अग्निशामक क्या कहते हैं सर क्या जो आग को बुझाता है याद रखोगे और देखो जो फायर एक्सटिंग होते हैं उसमें सीओ टू किस फॉर्म में इस्तेमाल होता है

बहुत ही बढ़िया अफसर बिटिया स्वागत है अफसर बिटिया आपका भी और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं द टू एलिमेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन द अर्थ सरफेस कि अर्थ की सरफेस पर कौन से वो दो ऐसे तत्व हैं जो पाए जाएंगे जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि पृथ्वी की सर क्या अर्थ की सरफेस पर वह कौन से ऐसे दो तत्व हैं जो पाए जाएंगे आपको पता है कि पृथ्वी की जो सरफेस है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन के बाद क्या होगा सर क्या सिलिकन होगा और अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन सिलिकन ना हो तो एक नाम और याद रखना जिसे कहते हैं सियाल जिसे आप कहते हो तो सर क्या सियाल सर सी से सिलिकन, एल से एल अल्मोनियम ये भी आपका आंसर हो जाता है और साथ ही साथ सिलिकन और ऑक्सीजन याद रखोगे द ऑप्शन नंबर चौथा विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दस क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत ही शानदार 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 बेहतरीन बेहतरीन सिल्कन का प्रयोग क्या सर सर सिंकल सिल्कन याद रखोगे क्या होता है तो सिल्कल एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है सिल्कन का प्रयोग सोलर प्लेट्स में करते हैं आप याद रखोगे कि टिटनेस टिटनेस बीमारी किसके कारण होती है द डिजीज इज सर क्या फंगस फंगस जीवाणु धूल एवं गोबर से बताओ सर टिटनेस बीमारी किससे होती है किससे होती है इसमें से वह कौन है जो टिटनेस को करेगा जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ बहुत ही शानदार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन हैं, पचास क्वेश्चन करने वाले हैं धुआं उड़ाने वाले हैं याद रखोगे सर क्या फिर से गलत कर दी शिखा मैं, मैं मार दूंगा मैं मार दूंगा मार दूंगा बता रहा हूं सर क्या देखो जो टिटनेस है टिटनेस किससे होता है तो टिटनेस जीवाणु से होता है याद रखोगे बैक्टीरिया से होता है और दो बैक्टीरिया एक titani, एक ये दो ऐसे जीवाणु है जो क्या करते हैं जो टिटनेस को करते हैं और टिटनेस को और क्या कहा जाएगा तो टिटनेस को धनुष्कार रोग कहा जाएगा इसे और क्या कहते हैं तो इसे लॉक जॉब ही कहते हैं क्योंकि इसमें मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं और आपका जबड़ा लॉक हो जाता है याद रखोगे और सर क्या टिटनेस के लिए डीपीटी का और एटीएस का डीपीटी और एटीएस का इंजेक्शन लगता है और सर क्या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का सर कौन कौन से रोग होते हैं सर क्या होगा प्लेग होगा डिप्थीरिया होगा टीबी होगा काली खांसी हो जाएगा टिटनेस हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा हो जाएगा सफलिस हो जाएगा गुनोरिया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा और हैजा ये सारे रोग हैं जो किससे होते हैं जो टिटनेस से होते हैं याद रखोगे वो है जीवाणु जबकि फंगस से कवक से गंजा दमाद खाए फ्रूट गंजापन खाज खुजली और सर क्या दमा दाद एथलीट फुट ये एक सर क्या ये कवक से होने वाले रोग हैं आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है याद रखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन से प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमता हुआ बताया था सर को सर वह कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घुप्त बताया था और पृथ्वी को अपने सर के चक्कर लगाने में तेईस घंटा तो होती है वो अपने एक्सिस के अराउंड ही करती है जरा मुझे बताओ बहुत बढ़िया आराधना प्रकाश स्वागत है सर आपने बताया भी नहीं सर ट्रिक किसकी ट्रिक बताओ किसकी ट्रिक करा देंगे ट्रिक कोई दिक्कत नहीं है देखो दोस्त क्या कहता है कि वह कौन से प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमता हुआ बताया था सर वो आर्यभट्ट थे आर्यभट्ट 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 ऐसे तो नाम निकस का आता है लेकिन भारतीय थे जिनका नाम था आर्यभट्ट जिन्होंने पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमता हुआ बताया था सर वरा मिर क्या थे तो यह बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे ज्योग्राफिस थे याद रखोगे ब्रह्मगुप्त और भोज ये सारे क्या सर ये सारे पुराने एस्ट्रोनॉट्स से याद रखोगे लेकिन इसमें से सर आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है याद रखोगे सारे सारे के नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखो क्या क्या ही कहता है? क्या कहता है है रिलेटेड टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित इसमें से कौन सा विटामिन नहीं, नहीं है जरा मुझे बताओ बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तुमने ढूंढ लिया ना अब जब तुमने ढूंढ लिया तो फिर कोई बात ही नहीं है है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है ट्रिक टाइम है सर इट्स अ ट्रिक टाइम ट्रिक टाइम ट्रिक टाइम सर कॉपी पेन लेकर बैठ कर ट्रिक लिख लेना किसकी सर क्या आप ट्रिक लिखोगे किसकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सर ट्रिक होती है था रो थारो न्यू पैंट पर ब फसा थारो न्यू पैंट पर ब फसा ये ट्रिक होती है था से हो जाएगा थायमीन था से क्या हो जाएगा थायमीन हो जाएगा जो विटामिन बी वन है रो से क्या हो जाएगा रो से राइबोफ्लेविन हो जाएगा जो, होगा जो क्या होगा दोस्त न्यु जो विटामिन बी टू है न्यू से क्या होगा न्यू से नियासीन हो जाएगा जो विटामिन बी थ्री है सर पैंट से होगा पैंटोथेनिक 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 जो विटामिन बी है पर से होगा पैराडॉक्सिन पर से होगा पैराडॉक्सिन जो विटामिन बी सिक्स है ब से होगा बायोटीन बायोटीन जो विटामिन बी सेवन और इसे ही विटामिन एच भी कहते हैं फ से हो जाएगा अम्ल

में है रेटिना और रेटिना किसके लिए होता है किसमें होता है आंखों में होता है तो यह विटामिन किस लिए होता है आँखों के लिए आपको हो जाएगा क्या uh, सर क्या तो कलर जाएगा याद रखोगे कि सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है इससे ज्यादा आसान सवाल आपको आज की क्लास का कोई भी नहीं है बताओ सर कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है जरा मुझे बताओ आ जाओ <coughs> बढ़िया सर देखो क्या कहता है दोस्त याद रखोगे कि सूर्य का सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है द वाइटामिन डी सर याद रखोगे देखो जो वाइटामिन डी है जिसे विटामिन डी कहते हैं जिसका नाम होता है सर क्या कैल्सी जिसका नाम क्या है दोस्त जिसका नाम है द कैलसी और कैल्सी याद रखोगे ये विटामिन डी का सोर्स है विटामिन डी का स्रोत है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है और यह हमें सूर्य के प्रकाश से सर मिल्क प्रोडक्ट से मछली के यकृत के तेल से भी हमें वाइटामिन डी प्राप्त होता है

रसदार फल विटामिन सी होंगे याद रखोगे निम्नलिखित में से किसके कारण पीओपी जमता है सर कोई जो पीओपी है सर किसके कारण जब के जमेगा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी हाइड्रोलैसिस हो जाएगा हाइड्रेशन हो जाएगा या डिहाइड्रेशन हो जाएगा सर पीओपी के बारे में सभी जानते हो जहां तक मैंने आपको पीओपी पढ़ाया है कि C A S, -S O4. टू एच टू ओ अगर ये क्या है ये है जिप्सम और अगर आप जिप्सम में से क्या एक्सट्रैक्ट करोगे जिप्सम में से पानी को निकाल दोगे तो ये बन जाएगा पीओपी और पानी का निकालना कैसी प्रक्रिया होगी द डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी तो पीओपी कैसे जमता है तो डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा बहुत ही शानदार 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 बेहतरीन 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 तो डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा जमता है क्या आपका तो जमता है आपका क्या सर पीओपी याद रखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं जरा इसका आंसर कर दो बहुत ही बढ़िया द विवेक राज कुमारी सुधीर सोनी नागा सोनू पूजा सिंह बढ़िया गुड़िया बेहतरीन धुआं मचा दो आज दो बच्चों का सर क्या टारगेट लेकर चले हैं हम है ना आज अगर वहां होते तो हजार के ऊपर ही गए होते आज लेकिन कोई बात नहीं फिर भी आज 200 बच्चों का टारगेट लिया है देखते हैं मेरे प्यारे चुनु मुन्नु उसको कवर करते हैं या नहीं बताओ सर अफसर बिटिया अक्षय डी होगा डी होगा डी होगा प्रीति सिंह हाय हेलो बिटिया हा, बताओ क्या होगा इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण जिसे आप कहते हो पोलराइजेशन मैंने आपको कई बार बताया है कि पोलराइजेशन क्या होता है जैसे मान लो ये हमारे हाथ में टॉर्च है और मैंने इस टॉर्च को ऐसे जलाया मैंने टॉर्च ऐसे जलाया और मैं जिधर जिधर टॉर्च को घुमाऊंगा उधर उधर प्रकाश घूमता जाएगा मैं जिधर जिधर टॉर्च को घुमाऊंगा उधर उधर प्रकाश घूमता जाएगा और जिधर टॉर्च होगा उधर ही प्रकाश होगा उसके विपरीत दिशा में नहीं होगा यही घटना होती है ध्रुवण जो प्रकाश के अनुप्रस्थ होने के बारे में बताती है और अनुप्रस्थ क्या होता है कि कणों की दिशा और तरंगों के दिशा के बीच में कण की दिशा और तरंगों की दिशा के बीच में नब्बे कहा जाएगा ध्रुवण कहा जाएगा याद रखोगे व्यतीकरण क्या होता है कि तेल की बूंदों के रंगों का रंग तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना सर क्या साबुन के पानी के बुलबुलों में रंगों का दिखाई देना मोर के पंखों में रंगों का दिखाई देना व्यतीकरण होता है अपवर्तन बताया ही है और विवर्तन सर थ्री डी होलोग्राम के रंग और अपवर्तन आप आपको कि कोई वस्तु अपनी स्थिति से बदली हुई है तो क्या है वो है अपवर्तन निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक इलास्टिक मुझे बताओ मैं कमिंग सर बिल्कुल दीपक कुमार स्वागत है आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं। सभी का स्वागत करता हूं और देखते हैं सर क्या, क्या निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक द मोस्ट इलास्टिक, जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ बेहतरीन बेहतरीन मेरे दोस्त तो जरा मुझे बताओ सर कि इसमें से कौन सबसे अधिक इलास्टिक है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ बहुत ही बढ़िया कौन है ऐसा जो इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा बहुत ही शानदार बताओ सर क्या होगा इसमें सबसे अधिक इलास्टिक मैंने आपको बताया है दोस्त ये क्या है ये है स्टील ये है स्टील अगर मैं इस पे प्रेशर लगाया तो ये क्या करेगा इसका विरोध करेगा बहुत ज्यादा करेगा और जैसे मैं इस पर हाथ हटा दूंगा तो ये अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा और इसे कहते हैं क्या सर इसे कहते हैं इस्पात इसे कहते हैं स्टील याद रखोगे इस बात को सारे के सारे सर क्या नेक्स्ट आ जाओ निम्नलिखित में से कौन पादप हारमोन है बहुत अच्छा सवाल बहुत 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 अच्छा सवाल और देखते हैं लाडलो क्या तुम इसे बना पाते हो या नहीं इंसुलिन एंड्रोजन जिब्रेलिन या एस्ट्रोजन इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्लांट हार्मोन है जरा मुझे बताओ बहुत ही शानदार कंचन कुमारी हेमा कुमारी वस आनंद शर्मा राजेश कुमार सिंह महाकाल भक्त अप्सर बिटिया शिखा शर्मा बहुत बढ़िया नागा सोनू शिखा इंसुलिन इंसुलिन प्लांट हार्मोन है क्या अरे बबी मबी क्या चाहती मैं जान दे दूंगा अपनी देखो इंसुलिन क्या है इंसुलिन आंसर क्या तो अग्नाशय मानव की अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन और इसका सही आंसर होगा जिब्रेलिन जिब्रेलिन क्या सर तो फूलों की मोटाई को बढ़ाने का कार्य करता है कुल पांच प्लांट हार्मोन है सबसे पहला क्या होता है सबसे पहला है ऑक्सिन दूसरा क्या होता है सर साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन तीसरा होता है सर द जिब्रेलिन द जिब्रेलिन द जिब्रेलिन और सर चौथा कौन सा होता है चौथा होता है आपका सर क्या तो एथिलीन एथिलीन सर पांचवा कौन सा होता है तो पांचवा होता है एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड ये पांच प्रकार के आपके सर क्या प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन लंबाई बढ़ाएगा साइटोकाइनिन सर क्या सेल डिवीजन करेगा जिबरेलिन फूलों की मोटाई बढ़ाएगा एथिलीन पकाएगा और एब्सिसिक एसिड पत्ते झड़ से बचाएगा याद रखो कि सुधा आंसरविन भी जिब्रेलिन इंसुलिन मानव के अग्नाशय से निकलेगा जिससे शुगर होगा एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है जिससे टेस्टोस्टेरोन बनता है और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है नेक्स्ट आ जाओ कि अंगूर में पाया जाता है इन द ग्रेप्स व्हाट

एथलिन फ्रूट को पकाता है बिल्कुल फ्रूट को पकाता है, नागा सोनू पूनम पटेल क्या होगा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो दोस्त इसका अंगूर में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा यह दूध में पाया जाएगा अम्ल सर क्या तो खट्टे रसदार फलों में पाया जाएगा और सल्फरिक एसिड से क्या बनेगी तो इससे दवा बनती है याद रखोगे नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के लगभग बराबर है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ द सौर मंडल जो द्रव्यमान में

धुआं बांध देंगे कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और ग्रह में पृथ्वी के लगभग समान है सर क्या याद रखोगे सर कौन है सर शुक्र शुक्र जो है इसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं इसे भोर का तारा कहते हैं इसे शाम का तारा कहते हैं इसे क्या कहते हैं याद रखोगे मेरे दोस्त ये क्या सर तो यह आपका एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है सो द आंसर विल बी शुक्र 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 मंगल को कहते हैं लाल ग्रह फोबोस और डोमास सर शनिचरा का क्या होता है सर शनिचर के सर क्या सैटर्न जिसके आ, बाहर छल्ले होते हैं और शनिचरा का क्या सर तो सबसे बाहरी या सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह होता है टाइटन होता है और प्लूटो क्या क्षुद्रह के रूप से, जाता है। इसको बाहर कर दिया गया था से। तो आपके सोलर सिस्टम से एक व्यक्ति का भार भार लिफ्ट में अपने भार के दोगुना हो जा रहा है बस सवाल ये यहीं पर इस सवाल को सॉल्व कर देंगे कि, कि किसी व्यक्ति का भार लिफ्ट में ज्यादा उसे लग रहा है जरा मुझे बताओ बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड गुड इवनिंग बहुत ही बढ़िया वेरी गुड रवि कुमार अफसर बिटिया नीरज कुमार मुसर्रत बिटिया बहुत ही बढ़िया वेरी गुड नेहा स्वागत है तुम्हारा आना क्यों नहीं था ऑल्सो मरकरी इज इंक्लूडेड इन दिस सीरीज बताओ 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 इसका आंसर करो कि एक व्यक्ति लिफ्ट में भार दोगुना हो रहा है बताओ दोस्त क्या होगा सर अगर वह नीचे जा रही है ऊपर जा रही है और कौन कह रहा है कौन कह रहा है नीचे वाले नीचे वाले कौन कह रहे हैं मैं मुंह तोड़ दूंगा नीचे वालों याद रखोगे सर क्या कि देखो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार के दोगुना महसूस हो रहा है अगर वो जीव उर्ध्वाधार ऊपर की ओर टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी मत कर देना अगर सर क्या कोई भी वस्तु अगर सर क्या लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है आप भी अगर लिफ्ट में सर क्या गए होगे, तो जब आप ऊपर की ओर जाते तो आपको खुद ही अपने भार में सर क्या बढ़ोतरी मिलती है और जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी उसका भार क्या होगा तो उसका भार बढ़ जाएगा और जब भी लिफ्ट नीचे की ओर आएगी आपको अपना भार कम लगेगा और अगर लिफ्ट टूट गई तो आपका भार शून्य हो जाएगा जीरो हो जाएगा कब जब लिफ्ट फ्री हो जाएगी टूट जाएगी नीचे आएगी तो आपको भार क्या लगेगा आपको अपना भार कम लगेगा तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऊपर जाएगी तो भार भी ऊपर जाएगा निम्नलिखित जानवरों पर विचार करें चमगादड़ मेंढक साहिल और सांप कंसीडर द सर क्या फॉलोइंग और इसमें पोइकलोथर्मिक जानवर कौन सा है सर पोइकलोथर्मिक तो आप जानते ही नहीं हो ये शब्द तो पहली बार सुन रहे हो अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि सर कोल्ड ब्लडेड बताओ अगर मैं यहीं पर बोल दूं मेरे दोस्त कोल्ड ब्लडेड बताओ तो कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को बना दे, देंगे किस में से कौन से ऐसे जीव हैं जो है, कोल्ड हूं कर, सर, अभी तक लिफ्ट में ही नहीं। कोई बात नहीं अपना ब्याह लिफ्ट में ही चढ़ के करना घोड़ा घोड़ी तो सब चढ़ते लिफ्ट में चढ़ना अपने ब्याह में छोड़ो छोड़ो दुनिया की बात तुम लिफ्ट में ब्याह करना देखो सर क्या चाहो विचार करें कोल्ड ब्लडेड कौन से होंगे सर चमगादड़ सर चमगाडर क्या होगा वार्म ब्लडेड होगा सर देखो साहिल क्या होगा वार्म क्योंकि ये दोनों क्या है कि और सांप क्या, तो क्या है याद रखोगे एक एम्फीबियन है और एक रेप्टाइल है तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल 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 सही होगा सर कोल्ड ब्लडेड एनिमल वह एनिमल होते हैं जिनका तापमान निश्चित नहीं होता जो बदलता रहता है सर ऐसे जीव जिनका तापमान हमेशा चेंज होता रहेगा वो क्या कहे जाएंगे वो warm, वो वार्म कोल्ड कहे जाएंगे लेकिन जिनका तापमान हमेशा फिक्स रहेगा ठंडी हो गर्मी हो हमारा तापमान हमेशा सैतीस होता है तो हम आएंगे वार्म ब्लडेड में तो वार्म ब्लडेड के अंदर कौन कौन आएगा तो वार्म के अंदर आते हैं मैमल्स मैमल्स आएंगे मैमल्स मैमल्स और जो पक्षी होते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म के अंदर आएंगे जबकि रेप्टाइल्स एम्फीबियंस और बर्ड्स सॉरी रेप्टाइल्स एम्फीबियंस और फिश किसके अंदर आएंगे तो यह आएंगे कोल्ड के अंदर कोल्ड के अंदर कोल्ड के अंदर कि केसर क्या है सैफ्रॉन इज व्हाट पुष्प कलिका वत्रिका क्या है सर सैफ्रॉन जरा मुझे बताओ बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे दोस्त सैफ्रॉन इज व्हाट बताओ दोस्त सैफ्रॉन इज व्हाट बताओ सर बताओ सर सब बताओ सर सैफरॉन क्या होता है जरा मुझे बताओ बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शानदार 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 बेहतरीन 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 मेरे दोस्त बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड सैफरॉन क्या है सर बताओ Dous, क्या है याद रखोगे सर क्या यह क्या तो यह फूल के या फूल के किस वाले हिस्से से प्राप्त होता है तो फूल के स्टिग्मा वाले हिस्से से या तो स्टिग्मा होगा या तो स्टाइलस। स्टाइलस। याद रखोगे या तो सर क्या फूल का वर्तिकाग्र वाला हिस्सा होगा स्टाइलस वाला हिस्सा जिसे स्टिग्मा कहते हैं तो सर यह क्या है सर केसर सूखा वर्तिकाग्र है याद रखोगे और केसर क्या है दोस्त तो याद रखोगे केसर मसाला है मसाला कौन सा मसाला पान मसाला कि दाने दाने में केसर का दम नहीं दोस्त वो वाला मसाला नहीं है दोस्त याद रखोगे यह या क्या है यह एक ऐसा मसाला है जो हेल्थ के लिए सर क्या गुड होता है लेकिन सर क्या अब इसका ऐड कैसे करते हैं बोलो जुमा केसरी तो वो वाला केसरी नहीं बोलना सर यहाँ पे सिर्फ केसर केसर बोलना है और केसर क्या है केसर इज अ ड्राई स्ट्रिग्मा याद रखोगे केसर एक प्रकार का ड्राई स्ट्रिग्मा होता है इस बात को आप सारे याद रखोगे बहुत बढ़िया शानदार 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 निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है जरा मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट कोबाल्ट कौन सा ऐसा विटामिन जो अपने अंदर पाएगा बताओ बहुत ही बढ़िया सेफ्रॉन मिशन बढ़िया हाँ विजय वाला सेफ्रॉन मिशन बिल्कुल अपसर बिटिया जेके में होता है सर केसर बिल्कुल जम्मू कश्मीर में होता है केसर जल्द जल्दी वाले जे दिवाली क्या लिखा जल्दी दिवाली क्या लिखा है भैया केसर खाने से बेबी गोरा होता है यही बात सर क्या मेरे बगल वाले सर क्या एक भाभी थी उनको किसी ने कह दिया अब भाभी के पास पैसे तो थे नहीं तो भाभी ने क्या किया भाभी ने एड देखा टीवी में दाने दाने में केसर का दम तो भाभी ने दै पुड़िया दै पुड़िया दै पुड़िया मारी और सर क्या बिमल की अब बच्चा जो चितकबरा पैदा हुआ है ना कि घर वाले की बाप अलग रूठा हुआ है माँ कह रही है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था है ना सर क्या निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल पाया जाएगा प्रयोग में करते हैं और कीमोथेरेपी होती क्या है तो कैंसर का इलाज केमिकल्स का प्रयोग करके कि कैंसर का इलाज सर क्या तो केमिकल्स का प्रयोग करके याद रखोगे सर वो होता है कीमोथेरेपी और विटामिन बी12 ट्वेल्विन

की थी काम

तुम ही लोग थे और आज मैं जो इस ताकत से खड़ा हूं में। तुम कहोगे दोस्त कहोगे सर क्या मैं अपने जीवन का सबसे ज्यादा मेहनत इस वर्ग कर रहा हूँ शायद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टेज में इतनी मेहनत नहीं किया था जो मेरे साथी हैं वो सारे जानते कि मैं कभी इतनी मेहनत नहीं करता लेकिन मैं अपने लाइफ की सबसे ज्यादा मेहनत

होता है देखो जब मैंने तुम्हें रेस्पारेशन पढ़ाया था मैंने जब तुम्हें रेस्पारेशन पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सी श्वसन और श्वसन कहां पे होता है सर सेल के किस भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पारेशन होता है तो याद रखोगे ग्लूकोज पूरी तरीके से टूटेगा ऑक्सीजन का पूरा कंबशन होगा तो CO2 H2O की फॉर्मेशन होगी ATP बनेगा अजी क्या बनेगा दोस्त ATP बनेगा और 36 ATP ऊर्जा बनेगी जिसे क्या कहा जाएगा जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाएगा और एनर्जी सर कहां से मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है और याद रखोगे कि ग्लूकोज और ATP की फॉर्मेशन होती है क्रेब्स चक्र में और क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद याद रखना कि क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है मेरे भाई तो यह है सर यह है एसिड याद याद रखोगे रखोगे सर क्या दोस्तों यह है पायरविक अम्ल जो क्रेप चक्र का अंतिम उत्पाद होता है याद रखोगे दोस्त सारे के सारे नेक्स्ट आ जाओ टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी कंट्रोल यूनिट किसका प्रयोग करता है जो टीवी का कंट्रोल यूनिट होता है वो टीवी रिमोट सेट ये नहीं पूछा कि रिमोट में क्या होता है ये पूछ रहा है कि टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट किसका प्रयोग करेगा और बहुत अच्छा सवाल है ये ऑप्शन और टफ तब बनता जब यहां पे इंफ्रा भी डाल देते तब आप कंफ्यूजन के मिलकर सर क्या सागर में डूब जाते याद रखोगे सर का वीडियो लाइक करिए सब बिल्कुल बिल्कुल लाइक लाइक शेयर सब करो बहुत बढ़िया माइटोकंड्रिया वाले सर बोलते हैं आपको चंदन सर अभी भी बोलते हैं हाँ अभी अभी भी क्या वो हमें याद करते हैं हाँ जितनी मोहब्बत हम आज उनसे करते हैं क्या आज भी हमें उतनी मोहब्बत करते हैं सर पूछ किया ना कि टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट सर किसका प्रयोग करता है सर यह माइक्रोवेव्स का प्रयोग करता है सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स वे वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ है। जिनकी वेवलेंथ क्या होती है दोस्त तो याद रखोगे जिनकी वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है सर सबसे कम होती है याद रखोगे जबकि टीवी के रिमोट में जैसे मेरे पास यह रिमोट है <coughs> इस रिमोट में सर कौन सी वेव्स होगी तो रिमोट में सर क्या सर क्या इंफ्रा होती है इंफ्रा रेड किस में होती है सर रिमोट में होती है याद रखोगे सारे के सारे नेक्स्ट आ जाओ भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है निम्नलिखित प्रक्रिया में सर भोजन से ऊर्जा एक तो क्या होता है सर एक ऊर्जा का, का मिलना तो अब बताओ कि सर क्या ही ऐसा इसमें आंसर होगा कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है कौन सी वो प्रक्रिया जिसके तहत भोजन से ऊर्जा मिलेगी जरा मुझे बताओ बढ़िया हम्म भोजन से हमें ऊर्जा बताओ सर कि सर क्या निम्नलिखित प्रक्रिया में किस प्रक्रिया में मिलती है पाचन में शोषण में स्वांगीकरण में, में तो याद रखो कि सर क्या पाचन की एक ऐसी प्रक्रिया है में तोड़कर भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तोड़ उससे ऊर्जा को प्राप्त करना क्या कहा जाएगा सर तो उसे ही पाचन कहा जाएगा क्या हो रहा है यार ये बाल ऊर्जा मिलती है लेकिन याद रखोगे यहाँ भोजन से नहीं मिलती तो आंसर विल भी क्या सर पाचन 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 देखो ना सर कितने बच्चे सही जवाब कर रहे हैं राहुल राजा राजा जी अरे राजा जी स्वागत है आपका कोई नयू बैच आने वाली है क्या नहीं दोस्त तो मैं सब कुछ यहाँ सर ऐसे ही पढ़ा रहा हूं तुम्हें जब पता ही है कि उपोहन प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है उसका सर किसका प्रयोग करते है? बताओ सर की उपोहन प्र... उपोहन का प्रयोग सर टपोहन लिख दिया लेकिन सर याद रखोगे अपोहन याद रखोगे जिसे आप कहते हो डायलिसिस जिसे आप कहते हो क्या दोस्त जिसे आप कहते हो डायलिसिस देलेसे? तो डायलिसिस में किसका प्रयोग करते हैं कौन सा ऐसा अंग है जो काम नहीं करता तो डायलिसिस करते हैं बताओ 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 बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड नागा सोनू नेहा जी कहा से आप ने, नेहा जी का आधार कार्ड बनाना है तुझे हां नेहा जी आपका स्वागत है मैं कब से तुझे देख रहा हूँ भैया रे पढ़ना है पढ़ ले वरना खिसक ले नेहा जी का आधार कार्ड बनाएगा कि वोटर आईडी बनाएगा कि घरे जाएगा उनके घर जाएगा कि आपके घर में कौन-कौन है लिखने मैं गुस्सा में मैं हत्या कर दूंगा आके तेरी मैं तेरे मुड़िया घिड़ दूंगा वहीं पे आके पढ़ ले नहीं तो नेहा जी नेहा जी देखो सर क्या कहता है कि उपोहन का प्रयोग क्या सर किस में सर याद रखो या किडनी देखो जब आपकी किडनी कार्य करना बंद कर देती है मेरे भाई याद रखोगे जब आपकी किडनी कार्य करना बंद कर देती है और किडनी क्या करती है ब्लड को फिल्टर करती है तो जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो ब्लड को तो फिल्टर कराना है तो याद रखोगे की ब्लड को फिल्टर कराने के लिए याद रखोगे दोस्त किस विधि का प्रयोग करते हैं उपोहन विधि का प्रयोग करते हैं डायलिसिस विधि का प्रयोग करते हैं याद रखोगे सर हर्ट हार्ट ब्लड को पंप करता है और हार्ट में ही किसको सरफिट करते हैं पेस मेकर को जो पेस मेकर है, उसका प्रयोग कहां इस बात को सारे के सारे सारे के सारे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस जरा मुझे बताओ बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शानदार शानदार बेहतरीन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस मिथेन नहीं है आर्गन नहीं है CO2 नहीं है या नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है तो याद रखोगे वह कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ तो आर्गन एक ऐसी गैस है आर्गन 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 जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रो, नाइट्रस ऑक्साइड सर आपकी क्या सल्फर जो आपका सर एसो टू है सल्फर डाइऑक्साइड आपकी क्या आपकी ओजोन ये सारी क्या है ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है लेकिन आर्गन एक प्रकार की कैसी गैस है तो यह एक प्रकार की इनर्ट गैस है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और यह आपके प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में अक्रिय गैस है वह अक्रिय गैस जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सी है दोस्त वह है आर्गन याद रखोगे बहुत ही बढ़िया वेरी गुड स्वागत है सिंटुआ तेरा सिंटुआ रे हमारे बबुआ है तुम्हारा स्वागत है और एक वर्षन को लाइक किया जाए चलना है है दोस्त कैसे भी कि कि आयरन आयरन की वस्तुओं पर पर लगने वाली जंग क्या है? जंग क्या इज द रस्ट दैट ऑकर्स ऑन ऑब्जेक्ट लोहे लगना बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं पहले तुम बताओ फिर हम बताएंगे सर आपको हम कब से ढूंढ रहे हैं ब्रजभूषण स्वागत है स्वागत है स्वागत है सर मन नहीं लगता पढ़ाई में कुछ करो जीवन सुधारो हमारा एक आधुआर फेल हो जाओ अपने आप सुधर जाओगे नेक्स्ट आ जाओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जिंदगी को ऐसी लंका ले। सर क्या आंसर करते हैं समझ में नहीं आ रहा चुके सो ग्रीन गैस नहीं है एस ओडब्ल्यू बताओ, बताओ 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 सर मन जल्दी जल्दी आंसर करो मन नहीं लगता मन नहीं लगता हम क्या नहीं मन लगता नाच तो नाचते तुम्हारे लिए फेरस और फेरिस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड फेरस सल्फेट सर फेरस और फेरिस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण डर क्या दू एफ टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ ये क्या है दोस्त ये है जंग का फॉर्मूला और जंग क्या है सर तो यह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जंग लगने से जंग लगने से क्या होता है तो लोहे का जो भार होगा वो बढ़ जाएगा जो भार होगा दोस्त वो बढ़ जाएगा लेकिन जो लोहे का सर क्या है उम्र है उम्र जो लोहे की आयु है वो कम हो जाएगी याद रखोगे और यह कैसा चेंज है यह एक प्रकार का रासायनिक चेंज है और यह कैसी अभिक्रिया है तो यह रेडॉक्स यह रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन में रेडॉक्स ना हुआ तो क्या टिक मारोगे तो ऑक्सीडेशन टिक मारोगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब अगर कोई वस्तु खराब होती है अगर 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 कोई वस्तु खराब होती है तो याद रखोगे वो क्या है सर वो ऑक्सीडेशन की वजह से खराब होती है सर एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है एक वर्णांध व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है कोई ऐसा व्यक्ति है सर क्या जो है उसमें किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती बताओ सर एक व्यक्ति में किस रंग की क्षमता पहचान करने की क्षमता नहीं होती जो बच्चे कह रहे हैं सर सर आ गया है कुछ करिए तो सर क्या याद कि मैं आपके लिए सर क्या ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा हूं यहाँ पर देखो डेली शाम के छ बजे शाम छे बजे मेरी क्लास होती है जहां मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाता हूं रात के दस बजे मैं क्या करता हूं आपको एमसीक्यू करवाता हूं और सनिचरा और रवि रविवार को सनिचर को और एतवार को और एतवार को क्या करता हूँ तो जो मैंने सर, को एम, सर क्या, तो तुम्हारे बिहार सीजन में पच्चीस में पच्चीस लाने के लिए यहां मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ याद रखोगे और एक अवर्णान व्यक्ति को किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है सर क्या काले नीले हरे लाल सर हरा और लाल रंग याद जो हरा रंग है और जो लाल रंग है हरे और लाल रंग में उस उस होती है 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 और याद याद रखोगे रखोगे इसके लिए एक एक होता होता जिस जिस को कहते हैं सर है का नाम है। टेस्ट जो याद जो उसका व्यक्ति का कराया जाता है सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है आ, या को। सर बताओ सर का कौन सा हिस्सा खाया जाता है बताओ सर बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बना दिएगा हमसे को प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्त प्लेलिस्ट बनी हुई है बताओ आज प्रियोडिट टेबल होता हाँ आज मैंने आपको प्रियोडिट टेबल पढ़ाया पूरा पूरा का पूरा प्रायोरिटी टेबल मैंने आज आपको पढ़ाया है याद रखोगे सर क्या कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है तो याद रखोगे जो सेब का खाने योग्य भाग होता है वह उसके अंदर पाया जाने वाला थैलमस वाला हिस्सा है याद रखोगे कि सेब के अंदर पाया जाने वाला थैलमस वाला हिस्सा वह वा उसका खाने वाला भाग होता है याद रखोगे कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान की मशीनी जगत का उपयोग करने के लिए क्या कहते हैं अच्छा है सर क्या कह रहा है कि जैविक जगत में होने वाला कार्य जो कार्य हो रहा है जो गुण है और जो पद्धति है इनका अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत का उपयोग करने को क्या कहते है? Bionics, Bionomy, क्या कह हैं बायोनिक्स बायोनोमिक्स बायोनोमी या बायोमेट्री क्या कहेंगे बताओ अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है बताओ बहुत 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 अच्छा सवाल है बताओ वेरी गुड कहाँ हो तुम सब यार तुम दिखते नहीं हो गुस्सा आती मुझे अः सी 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 बी 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 मोहम्मद जलाल अंसारी नागा सोनू बी रचिदा रॉय सी बी सी बी बायोनोमिक्स या बायोनिक्स याद रखोगे सर क्या होता है इट इज वॉट सर इट इज वॉट याद रखोगे इसे बायोनिक्स कहा जाएगा इट इज वॉट सर इट इज वॉट याद रखोगे इसे बायोनिक्स कहा जाएगा क्या है वॉट इज द ड्राई सेल ड्राई सेल क्या होता है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ सर ड्राई सेल क्या प्रिया कुमारी बिट्टू पूजा राजवीर सर सा क्लास एंड होते सारी सुना दूंगा ठीक है।, है सामने से हटिए और ये गाली दे रहा है सर सामने से हटिए आ जाओ बताओ सर कि क्या कह रहा है कि सर ड्राई सेल चलो मैं तुम्हारे कमेंट्स को ऐसे ही पढ़ लूंगा बायोनिक्स ओके okay. मैं तुम्हारे कमेंट्स को ऐसे पढ़ लूंगा ठीक है हम्म अब बताओ ठीक है

बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बताओ दोस्त <coughs> बहुत ही <थी> बढ़िया <coughs> बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड शानदार बेहतरीन यार बहुत ही शानदार देखो

हो हो यार इतनी ताकत से पढ़ा रहा हूं तुम तुम लोगों को 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 पर फिर भी तुम नहीं दिख रहे शेयर शेयर एक एक बार बार तो इसको इस क्लास किया जाए कि स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? वह जो को में तोड़ता है।, बताओ सर वो कौन सा है अब बताओ अब बताओ कि सर को माल्टोज में तोड़ने वाला पुष्पा सर थोड़ा कम गुस्सा कीजिए बेटा पता मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ गला फाड़ रहा हूँ अपने लिए मैं तो सर क्या? मैं तो आराम से भी पढ़ा सकता हूँ मुझे, क्या? मुझे तो यहां पे खड़े पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि जो ताकत जो शिद्दत जो जुनून मेरे अंदर तुम्हारे लिए है ना वो भी तुम अपने लिए, लिए क्या हो दोस्त है ना सर देखो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने वाला एंजाइम कौन सा एमाइलेज एंजाइम कौन सा एंजाइम है एमाइलेज और एमाइलेज को ही क्या कहते हैं तो इसे ही टाइलिन भी कहते हैं टाइलिन टाइलिन या यावरी अमाइलेज या एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है देखो क्या होता है सर देखो जो स्टार्च है स्टार्च स्टार्च क्या है सर पोलीसेक्राइड है पॉलीसेकेराइड है ये किससे मिला ये मिला टाइलिन से किससे मिला दोस्तों ये मिला टाइलिन से और ये टाइलिन से सर मिलतीस चेंज हो गया तो याद रखो ये चेंज हो गया सर किस में माल्टोज में माल्टोज में और ये माल्टोज में सर क्या फिर किससे मिला तो ये फिर मिला सर किससे तो याद रखो कि ये मिलेगा फिर किससे सर ये मिलेगा फिर अमाइलेज से अमाइलेज से और किस में चला जाएगा चला जाएगा गुलकोज में गुलकोज में गुलकोज में पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड सो द आंसर विल बी याद रखोगे नेक्स्ट आ जाओ सर डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है बताओ सर कि डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण होगा बताओ बहुत ही शानदार 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 कि डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके वजह से होगा बताओ बहुत बढ़िया

बताओ दोस्त कि सर क्या डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है तो याद रखोगे कि वॉट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द सन सेटिंग सन सर देखो डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसकी वजह से होगा परावर्तन अपवर्तन प्रकरण या विवर्तन याद रखोगे सर यह होता है स्कैटरिंग मैंने आपको कई दफा बताया है कि यदि किसी प्राकृतिक वस्तु के रंग के बदलने की बात की जाए यदि किसी प्राकृतिक वस्तु के रंग के बदलने की बात की जाए तो वह घटना किसकी होगी तो वह घटना वह घटना स्कैटरिंग की होगी याद रख कोगी वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत कर सकते हैं क्या कहा जाएगा सर वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को लिक्विफाइड करते हैं बताओ वह ताप कौन सा ताप होगा बहुत ही बढ़िया वेरी गुड सिंटू जूली प्रिया शंकर शिवा रवि स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिंटू बहुत बढ़िया एक बार सेशन को लाइक कर दो दोस्त इधर क्या लाइक को से आगे बढ़ाते हैं और सर क्या मेहनत करते हैं देखो क्या कह रहा है कि ताप जिसके गैस को क्रांतिक ताप देखो जो क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर है वह एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सर क्या जहां पे दाब को बढ़ाकर गैस को लिक्विफाइड करते हैं याद रखोगे जीरो डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसका वर्ग मध्यम चाल सबसे अधिक होगा देखो सर क्या जीरो डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसकी वर्ग माध्य चाल सबसे अधिक होगी जरा मुझे बताओ सर कि किसकी वर्ग माध्य चाल सबसे अधिक होगी तो याद रखोगे जो आपका हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है? की वर्ग माध्य चाल सबसे अधिक होती है याद रखोगे मोती झरा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि मोती रोग में बताओ सर की मोती जरा रोग में कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बताओ मेरे भाई कौन सा अंग सबसे तो प्रभावित होता है इसके ए जहर खाओ। एक बात सोनू भैया कर तो रहे हैं आप क्लास में आज आज आप क्लास में कर तो रहे हैं है ना तो सोनू भैया एक बात क्या सच पूछिए ना सोनू भैया आप कर तो रहे हैं आ जाओ देखो दोस्त सर क्या है <क्

आत्म करता है या क्या ही करता है सर जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ बहुत ही शानदार कि सर क्या कहता है कि प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है एन एंटीजन इज एन एलिमेंट विच क्या करेगा दोस्त सर जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ एंटीजन विश को मारक के रूप में प्रयोग करते हैं चाहे आप पचय को प्रेरित नष्ट करता है शरीर के तापक्रम को करता है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है याद रखोगे क्या करेगा सर याद रखोगे कि प्रतिजन एक प्रकार का ऐसा तत्व है जो प्रतिपिंडों को प्रेरित करेगा बनने के लिए और जब वो प्रतिपिंड प्रेरित सर बनेंगे तो याद रखोगे क्या करेंगे सर वो जो प्रतिपिंड जब प्रेरित होंगे तो वो क्या करेंगे सर वो हमारी बॉडी में सर क्या इम्यून सिस्टम को करेंगे तो याद रखोगे एज अ एंटीडोट टू पॉइजन विष के के मारक रूप में प्रयुक्त होता है याद रखोगे सारे के सारे बहुत ही बढ़िया कि ऑटोमोबाइल इंजन में से कौन सा जमाव रोधी के तौर पर प्रयोग होता है ये सवाल बनाने वाले को सर क्या आज मिलेगा चॉकलेट 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 तो चॉकलेट कौन जीत रहा है आज जरा मुझे बताओ इस सवाल को बनाने वाला हर एक बच्चे को सर क्या चॉकलेट्स मिलेगी है ना सर क्या चकली चॉकलेट चक, मिलेगा है ना? बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तो सर, इथेनॉल सर देखो क्या होता है जब भी हॉल में 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा वो क्या करेगा सर तो वो बनता है पावर पेट्रोल और ये क्या करते हैं सर तो ये रोधी के तौर पे प्रयोग होता है और और यही सर क्या तो इसे ही कहते हैं तेल तेल मतलब क्या था टेट्रा एथिलेड और इसका प्रयोग जितने भी सर वो देश जैसे कनाडा हो गया ब्राजील हो गया जहां पर ब्राजील नहीं कनाडा हो गया या सर बहुत ऐसे देश जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पे इसका प्रयोग करते क्योंकि उनकी इंजन सर क्या बैठ जाते हैं याद रखोगे नेक्स्ट आरोप तो नेक्स्ट खत्म हरे रामा там अरे मजा आ रहा था दोस्त मजा आ रहा था है ना मुझे भी चॉकलेट चाहिए चलो एक बात सर क्या सेशन को लाइक कर दो यार देखो इतनी ताकत से पढ़ाया है आपके लिए सेशन को लाइक कर दो कल फिर मिलेंगे है ना सर देखो जो आपका टेस्ट बुक लाया सर क्या टेस्ट बुक लेकर आया सर क्या तो आपके लिए सर लेकर आया सर क्या देखो सुपर कोचिंग जहां पे आप क्रैक बिहार गवर्नमेंट जॉब्स विद इंडिया सुपर टीचर बिहार दरोगा सचिवालय एसआई पुलिस कांस्टेबल और अदर बिहार गवर्नमेंट जॉब्स इन सब की तैयारी सर क्या आपके कराएंगे सुपर टीचर्स आपको क्या मिलेगा सर तो पंद्रह सौ अधिक वीडियो कोर्सेस मिलेंगे बाई सुपर टीचर्स साढ़े छह सौ से अधिक मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दो सौ से अधिक स्टडी नोट

हमें लग रही तो हम हम रखो हमारा देख रहा तीन सौ चार सौ साल हो गए में कि जरा जरासा मुझमे में वो बेशुमार मुझमे है कि जरा जरासा मुझमे में वो बेशुमार मुझमे है वो एक ही तो शख्स है जो बार बार मुझमे है है ना कि जरा जरासा मुझमे है बेशुमार मुझमे है आ जाओ सुनो हिस्सा हिस्सा तुझे लिखूं कैसे सुनना मेरी बात को कि हिस्सा हिस्सा तुझे लिखूं कैसे किस्सा किस्सा मेरी किताब है तू कि हिस्सा हिस्सा तुझे लिखूं कैसे किस्सा किस्सा मेरी किताब है तू तेरी आंखों के चंद ख्वाबों में तेरी आंखों के चंद ख्वाबों में मेरे किस्मत की हंसी रात है तू कैसे लिख दूं के दूर है तू कितना कैसे लिख दूं कि मुझसे दूर है तू कितना मेरी सासों के साथ साथ है तू हिस्सा हिस्सा तुझे लिखूं कैसे किस्सा किस्सा मेरी किताब है तू किस्सा किस्सा मेरी किताब है तू तो लव यू सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और ऐसे ही शिद्दत से पढ़ो सिलेक्शन लो कहीं से पढ़ो कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ जहां बेहतर हो वहां क्या सर वहां पढ़ाई करो मन लगा के पढ़ो और आपका सिलेक्शन की क्या मेरी पहली प्रायोरिटी है और जो बच्चा सर चाहता है थ्योरी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एक साथ सब कुछ पढ़ना प्रेजेंट सर जिंदा है ना? सो थैंक यू जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को थैंक यू